राज्यसभा के सियासी दंगल के बीच उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। डोटासरा का बीजेपी पर हमला, कहा दम थी तो खुद के सिंबल पर उतारते प्रत्याशी। 6 जून को होटल ताज अरावली में सीएम गहलोत ले सकते विधायकों की बैठक। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर बीजेपी दफ्तर में मीटिंग। वसुंधरा राजे, प्रभारी नरेंद्र तोमर समेत कई नेता और निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा भी रहे मौजूद। चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन। चंडीगढ़ में पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से अमित शाह की मुलाकात। 15 मिनट की बातचीत में पिता ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। अमित शाह ने भी परिवार को दिया आश्वासन। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार। अब तक शिकंजे में 24 उपद्रवी। सभी आरोपियों पर लगेगा एनएसए। पीएफआई पर भी हिंसा फैलाने का शक। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा। बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा श्रमिक घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। असम पहुंचा दिल्ली का सियासी झगड़ा। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने हिमंता पीपीई किट घोटाले का आरोप। सीएम का पलटवार, कहा करूंगा आपराधिक मानहानि का केस। ओडिशा में मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले सभी कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा। कल सुबह 11 बजे नवीन पटनायक के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। नशे के सौदागरों के खिलाफ नंबाहेड़ा पुलिस की कार्रवाई। करीब 50 लाख रुपए का पकड़ा डोडा चूरा एक तस्कर गिरफ्तार। ट्रेलर और सीमेंट को भी किया जब्त। अजमेर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा। अदालत ने 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मरुधरा में भीषण गर्मी का दौर जारी। लू के थपेड़े भी कर रहे परेशान। आज धौलपुर, करौली, चूरू, हनुमानगढ़ में हीट वेव का अलर्ट।